नमस्कार, सुबह सुबह में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्दीकी। तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीएम से चर्चा होगी, 10 राज्यों के 54 कलेक्टरों से संवाद होगा, मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डीएम से चर्चा करेंगे, 10 राज्यों के 54 कलेक्टरों से संवाद होगा और मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे पीएम मोदी। तो इसी पे और जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 राज्यों के 54 कलेक्टरों से संवाद करेंगे और डीएम से भी उनकी चर्चा होगी। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के संक्रमण की जो रफ्तार लगातार बढ़ी थी, उसको लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने इस बात को लेकर सतत प्रयासरत हैं कि कोरोना की संक्रमण की रफ्तार को कम किया जाए। वहीं जिस तरह से ब्लैक फंगस की आमद हुई है कई राज्यों में, और उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संवाद काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस बारे में बता दूं कि 54 जो जिलाधीशों से, जिला कलेक्टरों से जो संवाद होना है, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य से जो है लगभग 6 कलेक्टरों से संवाद होगा, जो हमारे सूत्रों की जानकारी, वहीं उत्तर प्रदेश के 5 कलेक्टरों से संवाद होगा। लेकिन इसमें एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्रियों की 18 तारीख को जो मीटिंग हुई थी इरम, उसमें जो है 46 कलेक्टरों से बात हुई थी, जिसमें मध्यप्रदेश के इंदौर कलेक्टर से भी संवाद हुआ था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें जुड़े थे। लेकिन जो 18 तारीख को जो संवाद हुआ था वो राज्य थे, 9 राज्यों के 46 कलेक्टरों से बात हुई थी, उसमें जिनके यहाँ जिन राज्यों में कोरोना की रफ्तार कम है। लेकिन आज जिन 10 राज्यों में संवाद होना है, वहाँ कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ी हुई है। उसमें हम बात कर लें चाहे महाराष्ट्र की, चाहे पश्चिम बंगाल की, चाहे उत्तर प्रदेश की, चाहे छत्तीसगढ़ की, ये वो राज्य है जहाँ से संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ी है, जहाँ संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उसको लेकर है। लेकिन इसमें जो एक पॉइंट माना जा रहा है जिस पर सबकी निगाहें होंगी कि जब 11 बजे वर्चुअली तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे, तो उसमें ये देखा जा रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, चूंकि सियासत का घमासान वहां लगातार चल रहा है, वो वर्चुअली तौर पर जुड़ती हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आज प्रधानमंत्री का ये संवाद अपने आप में महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कोरोना की टेस्टिंग, ग्रामीण इलाकों में कोरोना की संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए ये सारे तमाम टिप्स दिए थे और एक तरह से कलेक्टर्स को फ्री हैंड दे रखा था कि आप जो करना चाहते हैं करें, लेकिन संक्रमण की रफ्तार को रोक लें। इसलिए आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद है, पीएम डीएम जो मीटिंग है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गीत दीक्षित जी पूरी जानकारी के लिए। यहाँ पे तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 राज्यों के 54 कलेक्टरों से संवाद करेंगे और डीएम से भी चर्चा होगी और मुख्यमंत्रियों से भी चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।